हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रसीले चने। इसके लिए हम पहले मसाले निकालते हैं। ये हमने लिया है 2 चम्मच सूखे धनिया लिया है और आधा चम्मच जीरा लिया है, 10 से 15 काली मिर्च, 3 सूखी मिर्चें, 1 बड़ी इलायची। इसका छिलका उतार लेना है और बीच को इसको पीसना है। इसको थोड़ा रोस्ट करके तब हमें बारीक पीस लेना है। ये हमने थोड़ी सी इमली लिया हुआ है, इसमें पानी डालकर इसको हमें भिगो के रख देना। हमें इसका जो है गूदा चाहिए, इसको हमें जब तक भिगो के रख देना है। 250 ग्राम ये चना है। चना को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसको चलते हैं कुकर में डालने के लिए। अब हमें ये चने को पूरा कुकर में डाल देना है। चने को कुकर में डाल चुके हैं। अब हमको आधा चम्मच जो है नमक डालना है और 2 कप हमें पानी डालना है चने में। अब हमको चने को अच्छे से जो है लीड लगाकर गला लेना है। 4 से 5 लीड हमें कुकर में लगा देना है कि चना अच्छे से गल जाए। चना देखिए पूरी तरह से गल चुका है। देखिए इस तरह से चना गल चुका है। अब हमको इसमें डालना है 2 आलू हमने लिया हुआ था। ये इस तरह से आलू हमने काटा हुआ है। इसको जो है 2 बड़े आलू में हमने इसको भी हमें चने में डाल देना है और फिर 2 मिनट हमको ऐसे ही जो है सीटी लगा के नहीं गलाना है आलू को, बस ऐसे ही ढक्कन डाल के जो है गलाना है। आलू डाल चुके हैं। आलू को हमें अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद 2 मिनट तक हमको बस पकाना है। देखते हैं आलू गला, आलू भी गल चुका है। अब हमने जो मसाला पिसा हुआ था रोस्ट करके उसे हमें डाल देना है। और ये जो इमली हमने भिगोया था इसका हमने पूरा रस निकाल लिया, ऐसे हमें डाल देना है। और 2 चम्मच हमें इसमें शक्कर डालना है। रसीले चने हैं तो इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा करना है, इसलिए हमको जो है 2 चम्मच शक्कर डालना है। और अब हमको इस तरह से चला लेना है कि शक्कर जो है गल जाए। खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए। जो है मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। अभी पे पानी ज़्यादा है, थोड़ा पानी इसको और हमको सुखा लेना है। गैस को तेज रखना है। शक्कर गल चुकी है और पानी भी देखिए थोड़ा सा जो है जल चुका है। अब इस तरह से देखिए ये जो है रसीले चने बन के तैयार है। ये जो है गैस को हम बंद करते हैं। इस तरह से आप लोग रसीले चने बनाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं।